हेलो एवरीवन, 11 मई को आईसीएमआर जो गाइडलाइंस लाया था कोविड टेस्ट सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, उसमें उन्होंने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, कोड नया UCOD 07.2। UCOD मतलब अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ 07.2, मतलब अगर बंदे की डेथ किसी को मॉर्बिडिटी से हो रही है, मतलब इस्टीमेट हार्ट डिजीज से हो रही है, कैंसर से हो रही है, COPD से हो रही है, तो भी वो अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ में ना लिख के उसमें अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ COVID-19 लिखना है। दूसरा उसमें एक बहुत विचित्र बात ये थी कि अगर टेस्ट नेगेटिव पाया जाता है, टेस्ट अनिश्चित होता है, तो भी अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ COVID-19 ही लिखना है, यदि उसमें सिम्टम्स जो कि उन्होंने दे रखे हैं ब्रेथलेसनेस वगैरह, जबकि ब्रेथलेसनेस जिसको डिस्निया बोलते हैं वो एक कॉमन सिम्टम है जो कि बहुत सी बीमारियों में मिलता है, और टेस्ट नेगेटिव आने पर भी क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं बनता है। खैर, उन्होंने ये गाइडलाइंस क्यों इशू की है वही जाने, शायद नंबर बढ़ाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि COVID-19 बहुत घातक बीमारी है, व्हाटएवर। 20 मई को एक नई गाइडलाइंस और लाई गई, उसमें भी बड़ी चौंकाने वाली बात ये देखी गई कि जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज है उसमें भी यदि स्वैप टेस्ट नेगेटिव आता है तो भी जो है उसको COVID-19 के पाले में डाल देना है। इन दोनों के लिए उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। उत्तराखंड में आज 2 मौतें हुई हैं और टोटल आंकड़ा है 3 मौतों का हो गया। इससे पहले मैंने आपको पहली मौत के बारे में बता दिया था, आज दोबारा से पहली मौत भी और नहीं जो मौतें हुई हैं 2, उसके बारे में मैं आपको बता दी हूँ। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं तीसरी मौत से। इससे पहले कि मैं आपको 3 मौतों के बारे में बताऊं, आप ये देखिए, मैंने आपको ICMR की नई गाइडलाइंस तो बता दी थी डेथ सर्टिफिकेट इशू करने की, ये जो नई गाइडलाइंस 20 मई को लाए हैं मेडिको लीगल ऑटोप्सी की, तो उसमें मैं आपको ये बात बताती हूँ इन्होंने कहाँ लिखा है, जो मैं आपको कह रही थी कि अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज में भी COVID-19 के पाले में भी डेथ चला देनी है। ये देखिए, ये यहाँ से आप पढ़िए, मैं पास ले जा रही हूँ। Asymptomatic infected people and patients in incubation period may not meet the diagnostic criteria for suspected cases, but if they have possible epidemiological history, all dead bodies without reliable clinical epidemiological history and all unidentified dead bodies should be treated as suspected COVID-19 deaths. Cases with negative swab results also should be treated as suspected COVID-19 deaths, as false negative result is not uncommon. देखिए, रिजल्ट के बारे में भी बोल रहे हैं कि फॉल्स नेगेटिव भी आता है रिजल्ट, फॉल्स नेगेटिव आता है तो बता दिया, फॉल्स पॉजिटिव आता है ये नहीं बताया, खैर अलग चीज है। लेकिन यहाँ देख लीजिए, स्वैप टेस्ट भी अगर जो है नेगेटिव आ रहा है तो भी उन डेड बॉडीज को COVID-19 के कैटेगरी में डालना है। ए सिम्टोमेटिक इन्फेक्टेड पीपल हैं और इनक्यूबेशन पीरियड में है, और तब भी अच्छा एपिडेमोलॉजिकल हिस्ट्री हो या क्लिनिकल एपिडेमोलॉजिकल हिस्ट्री ना हो, सब अनआइडेंटिफाइड बॉडीज को भी और ए सिम्टोमेटिक इन्फेक्टेड लोगों को भी, चाहे उनमें एपिडेमोलॉजिकल हिस्ट्री हो या ना हो, सबको जो है COVID-19 डेथ्स में डाल देना है। तो इन अवे नंबर तो इंक्रीज हो गया। अब आप देखिए, मैं आपको जो उत्तराखंड का दिखा रही हूँ वो देखिए, आम जनता तो ये सोचेगी कोविड से मर रहा है लेकिन कोविड से नहीं मरता है, इसको आप देखिए। ये उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन है, आज की डेट डली है 24 मई। देखिए, ये टोटल डेथ 3 है, पास ले जा रही हूँ, और ये देखिए, cause of death is other than COVID-19, साफ लिखा है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भेजा है COVID-19
नहीं है कॉज ऑफ डेथ जो है अदर देन कोविड-19 है, साफ साफ देख लिया। लेकिन आज आप देख लीजिए कोविड-19 के खाने पे 3 डेथ चढ़ चुकी है। अब आइए देख लेते हैं कि ये इनका कारण क्या है मरने का। जो तीसरी मौत हुई है आज ये देख लीजिए, ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में हुई है और ये आदमी जो होम क्वारंटाइन में मर गया है, मतलब इसका इलाज चल रहा था गाजियाबाद में, ये वहां से आया, वहां से लौटने पे इसे होम क्वारंटाइन किया गया, वहीं मर गया। देखिए, अ मैन हु वाज अंडर होम क्वारंटाइन आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम गाजियाबाद डाइड इन पौड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। दिस इज द थर्ड डेथ इन क्वारंटाइन रिपोर्टेड फ्रॉम दिस उत्तराखंड। The man from Pipli village of the district died late Thursday night. Police Chowki, Babao Police Chowki in charge Ajay Singh said. The cause of his death is being ascertained as he was unwell for long time and undergoing treatment at a hospital in Ghaziabad, Singh said. तो वहाँ पे जो पबाव पुलिस चौकी के इंचार्ज हैं अजय सिंह ने बताया कि ये बहुत समय से ही बीमार चल रहे थे। एवं गाजियाबाद हॉस्पिटल से इनका इलाज चल रहा था, वहां से लौटे तो इन्हें क्वारंटाइन किया गया। इनमें देखिए टेस्ट का कोई जिक्र भी नहीं है कि इनका कोविड टेस्ट हुआ भी है कि नहीं हुआ। एक सामान्य नियम के तहत कोई बाहर से आए तो उसे क्वारंटाइन कर दिया जाता है, इन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया और इनकी डेथ हुई। देखिए, अब इसमें टेस्ट भी नहीं हुआ है लेकिन इन्होंने इसको भी क्वारंटाइन डेथ घोषित कर, सॉरी कोरोना डेथ घोषित कर दिया। अब आगे देखते हैं दूसरी डेथ। उत्तराखंड में देखिए 55 ईयर ओल्ड ये कैंसर पेशेंट है हु टेस्टेड कोविड-19 पॉजिटिव 2 डेज अगो डाइज। इसको ईसोफीगल कैंसर था, फूड पाइप में कैंसर था, ये मैं आपको पढ़ा देती हूँ। एन ओल्ड कैंसर पेशेंट हु हैड बीन अंडरगोइंग ट्रीटमेंट एट ऋषिकेश बेस्ड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेस्टेड कोरोना वायरस डिजीज पॉजिटिव 2 डेज अगो डाइड ऑन सैटरडे मॉर्निंग। दिस इज द सेकेंड डेथ इन उत्तराखंड ऑफ कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट वेयर कोमॉर्बिडिटी is the cause of death and not contracting SARS-CoV-2। साफ लिखा हुआ है कि कोमॉर्बिडिटी है यहाँ पे कारण डेथ का, ना कि SARS-CoV-2 which causes the disease। The director AIIMS Rishikesh said the lady patient, a resident of Bijnor in Uttar Pradesh, died due to cancer in the food pipe and not COVID-19। साफ साफ लिखा है, पास ले जा रही हूँ, देख लीजिए। AIIMS के director रविकांत ने बोला कि इनकी मृत्यु फूड पाइप में कैंसर होने की वजह से हुई है, कोविड-19 की वजह से नहीं हुई। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट की बुलेटिन भी रिपोर्ट कर रही है कि लेडी डाइड ड्यू टू टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर बिकॉज ऑफ कार्सिनोमा इन द ईसोफेगस। ईसोफेगस फूड पाइप को बोलते हैं, कार्सिनोमा कैंसर को बोलते हैं, उसकी वजह से इसको रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ। और इससे पहले वाली जो डेथ हुई थी, देखिए मौत का मैकेनिज्म दो ही होते हैं, या तो कार्डियक अरेस्ट होना या रेस्पिरेटरी फेलियर होना। आगे दूसरी डेथ देखिए, जो सबसे पहली डेथ हुई थी वो हुई थी 1 मई को, और 56 साल की औरत है ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की, जिसको कोविड-19 पॉजिटिव आया था और ये पहले 3 अस्पतालों से होकर के फिर एम्स ऋषिकेश गई थी। कब से ये बेचारी कोमा में थी और बाद में इसकी जो है मृत्यु हो गई, और वहाँ पे आने के बाद इसको जो है कोविड पॉजिटिव निकला था। और इसमें भी मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी हेल्थ बुलेटिन भी, आप ये भी देख लीजिए। देख लीजिए, ये 1 मई की है। टोटल एक्टिव केसेस 19, टोटल डेथ 1। इज दैट ड्यू टू कोविड-19? नो। ध्यान से देख लीजिए, कॉज ऑफ डेथ वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया, लेकिन चढ़ा दिया कॉज ऑफ इन्होंने डेथ जो है कोरोना के पाले में। तो आपने देखा क्या, तीनों केसेस में कोई कोरोना की वजह से मरा नहीं। तीनों केसेस में पहली जो मौत हुई थी वो कोमा की वजह से, वो ब्रेन स्ट्रोक में थी वो टाइम से, तो साफ लिखा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया वाज द कॉज। और दूसरी केस में जो डेथ हुई थी वो हुई थी, उसको ईसोफेगल कैंसर था, फूड पाइप का कैंसर कारण था उसमें। और जो तीसरे केस में डेथ हुई थी
उसमें तो टेस्ट ही नहीं हुआ था, वो तो बेचारा बहुत टाइम से बीमार था, गाजियाबाद से इलाज करा के आया था, बहुत टाइम से बीमार था और क्वारंटाइन में उसे रखा गया था, तो उसकी डेथ हुई थी। उसमें तो कॉज ऑफ डेथ आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाया, और बिना ऑटोप्सी किए बिना कुछ किए उन्होंने COVID-19 के पाले में चढ़ा दिया। इससे आपको क्या समझ में आता है कि क्यों ये गाइडलाइंस चेंज हो रही है? अगर COVID-19 इतना डेडली होता तो लेट मी नो वन थिंग, सभी को मारता, किसी को छोड़ दे रहा है, किसी को मार दे रहा है, किसी को काटे कैसे मार रहा है, किसी को कैसे मार रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? क्यों इतना डेडली इसको जो है दिखाया जा रहा है? क्या लॉकडाउन बढ़ाने के लिए हम लोगों की फंडामेंटल राइट्स आज के डेट में सस्पेंडेड हो गई हैं? वी कैन नॉट मूव फ्रीली, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें ऐसे करना पड़ता है, अपने ही स्टेट में अपने ही देश में हमें ट्रैवल करने के लिए इंटरस्टेट मूवमेंट करने के लिए इस तरीके से पासेस देने पड़ते हैं मानो हम विदेश में यात्रा कर रहे हो। ठीक है, पैंडेमिक है, थी है, अब तो इसको एंडेमिक घोषित कर दिया है, मतलब ये हमेशा रहेगी, ये कभी नहीं जाएगी। जब ये हमेशा रहेगी तो कब तक जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हम लोगों की फंडामेंटल राइट्स को अब सस्पेंड करे रखेंगे? और क्या अब लॉकडाउन 5 करेंगे? तो इससे ना तो हम लोग कहीं जा पा रहे हैं, आ पा रहे हैं बिना पैसेज के, कहीं जाओ जाके क्वारंटाइन होना पड़ता है, किस तरीके से हो, बहुत ये बहुत लंबे समय तक, एक इंडेफिनिट पीरियड तक आप जो है फंडामेंटल राइट्स नहीं सस्पेंड कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड नॉट ओनली दिस, व्हेन द डिजीज इज नॉट दैट डेडली, तो क्यों हम लोग की फंडामेंटल राइट्स जो है सस्पेंड की जा रही है? सेकेंडली, कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 राइट टू लाइवलीहुड, वी हैव द फ्रीडम टू कैरी अवर ऑक्यूपेशन, बहुत से ऐसे ट्रेड्स हैं, बिजनेस हैं जो इसकी वजह से खत्म हो गए हैं। हर साल एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का आंकड़ा 4 करोड़ पार करता है, और डिजीज कोई डेडली होती है, मानो कि अगर 1 लाख पेशेंट्स में से 80,000 मर जाते तो हम मानते हैं डेडली है, या आज 1,30,000 कन्फर्म केसेस में से हमारे पास 60,000 के करीब ठीक हो गए, मुश्किल से 4,000 मौतें हुई। तो क्या आप इस डिजीज को डेडली करेंगे? और आप देखिए तो कैंसर के आंकड़े उठा के 11 लाख तक के जाते हैं और 8-8 लाख मौतें होती हैं, 11 लाख में से 8 लाख लोग मर जाते हैं, वो एक फैटल डिजीज है, बट दिस इज नॉट अ फैटल डिजीज। उसमें से भी जो है 3,000-4,000 मौतें आपको दिखाई जा रही हैं, वो मौतें बेसिकली कोमॉर्बिडिटीज हैं, कोरोना की वजह से शायद ही कोई मर रहा हो। और जहाँ तक लोगों के मन में बड़ी गलत फहमियाँ हैं, आज मैंने एक अन्ना को ओम कश्यप जी का ट्वीट पढ़ा, उन्होंने लिखा हुआ था कि स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है यदि लॉकडाउन ना लगाया होता तो 70,000 से 80,000 तक मौतें जो है हो जाती है, हमने 70,000 से 80,000 तक की मौतें टाली हैं। तो पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं समझ में आता कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसा कैसे बोल दिया, क्योंकि अगर मोर्टेलिटी रेट इसकी देखे भी तो आज अगर टोटल 30 लाख टेस्ट हुए हैं तो 30 लाख टेस्ट में से 1,30,000 कन्फर्म केसेस आ रहे हैं, 130 करोड़ जनता के टेस्ट नहीं हुए हैं अभी, तो रेट ऑफ इंसिडेंस बहुत कम है, 4.3% है, और उसमें से भी जो केस फर्टिलिटी रेट है वो केस फर्टिलिटी रेट मात्र 3.2% है, और इसको अगर यदि हम एक्स्ट्रा कोलेक्ट करेंगे तो इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट काफी कम आ जाएगी, 0.06% तक आ जाएगी। तो ऐसी जो इम्पोर्टेंट वायरस है उसके लिए आप वैक्सीन लाएंगे, ये सब कब खोलेंगे, आप इंटरस्टेट मूवमेंट कब जारी करेंगे वैक्सीन आने के लिए, वैक्सीन और वो भी ऐसी वैक्सीन, इससे जो कुछ मौतें हो ही नहीं रही है, वैक्सीन जो कि बिल गेट्स कह रहे हैं, एक वैक्सीन बनाने में आपको पता है 8 से 10 साल लगते हैं, पहले आप पैथोजन को कल्चर करते हैं, कल्चर करने के बाद उसको आइसोलेट करके या तो वीकेस्ट फॉर्म में लाइव वैक्सीन्स बनाते हैं या फिर उसको किल करके आप जो है वैक्सीन बनाते हैं, एटीनेटेड वैक्सीन, और उसके बाद उसके ट्रायल्स होते हैं, 8 से 10 साल जो इस प्रोसेस में लगता है। लेकिन मिस्टर गेट्स का कहना है हम उसका मंशा मैकेनिज्म को नहीं फॉलो करेंगे, और जो मॉडर्ना कंपनी है जो कि बिल गेट्स के द्वारा फंडेड है, उन्होंने पहली वैक्सीन बना भी ली है, अंदर से आरएनए डीएनए वैक्सीन बनाएंगे, मतलब जेनेटिक कोड डालेंगे और उस कोड से आपकी बॉडी खुद ही एंटीजन भी बनाएगी, खुद ही एंटीबॉडी बनाएगी, माय गॉड, मतलब
आप लोग तैयार हैं ये सब करने के लिए, जीन जेनेटिक कोड अंदर डलवाने के लिए? विल इट नॉट प्रोड्यूस ऑल पेशेंट्स? और किस तरीके की पार्टनरशिप मोदी जी ने की है, और डॉक्टर हर्षवर्धन जी को कहना नहीं चाहिए, उनको चेयरपर्सन बना दिया है, मैं मानती हूँ, ठीक है, इंडिया के लिए बधाई का विषय है। अगर गेट्स जो है बायो टेररिस्ट ना होते, उनको सारा क्रिमिनल्स ने खुलेआम जो है एक्यूज किया है, रॉबर्ट एफ कैनेडी ने उन्हें एक्यूज किया है, इनकी जो वैक्सीन्स हैं पोलियो की वो एक्यूट फ्लसिड पैरालिसिस करी है कम से कम 4 लाख लोगों में, बच्चों में इंडिया में। इन पे ऑलरेडी कल्पना मेहता एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडियन अदर्स सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस फाइंडिंग है। तो प्रामा फेशी एक्यूज ने एक बायो टेररिस्ट के साथ पार्टनरशिप और WHO CDC सबको फंडिंग ये करते हैं। और अरे क्या किया है मोदी गवर्नमेंट को, लोग पढ़ रहे हैं देखो ना, बड़े अच्छे से कंट्रोल किया होगा तभी तो WHO ने सम्मानित किया। WHO तो खुद ही आप चाहे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहें या जो भी कहें, पर लोग तो बातें बना रहे हैं ना WHO के लिए। और आप एक चीज और मुझे बताइए, क्या किया, लॉकडाउन ही तो लगाया, हार्शेस हो तो कोई भी लगा दे। बात तो देखो ना स्वीडन की है, डॉक्टर जोहान जी सिंह की, जिनके कहने पर स्वीडन चला और स्वीडन ने बिना लॉकडाउन लगाए जो है सब कुछ काबू कर लिया, वो हर्ड इम्यूनिटी आए। तो बनाते तो डॉक्टर जोहान जी सिंह को बनाते, तब तो हम मानते कि इतने बड़े बड़े एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। तो बात तो सब कुछ क्लियर है, सब कुछ साफ है, फर्टेलिटी कुछ है नहीं, ICMR ने भी USA की तरह गाइडलाइन चेंज कर दी है, हर डेथ को कोविड डेथ में डाला जा रहा है, इवन अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज को भी कोविड डेथ में डाला जा रहा है। तो नंबर इन्फ्लेट किया जा रहा है और रोज मीडिया में आंकड़े बढ़ते हुए दिखाए जा रहे हैं। आम जनता तो बेचारी जानती नहीं कि अन्य बीमारियों में आंकड़े कितने जाते हैं। बेसिकली मैंने RTI लगाई है कि नवंबर 2019 और दिसंबर 2019 में दोनों महीने में, सॉरी मैंने अक्टूबर 2019 और नवंबर 2019 में प्रत्येक दिन के में कितने लोग मरे और उनका अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ, और मार्च 2020 और अप्रैल 2020 में प्रत्येक दिन कितने लोग मरे और उनके अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ, इससे आप लोगों को आंकड़े स्पष्ट हो जाएंगे जो जनता आंकड़ों से अब अनवगत रहती है। तो मैं सब यही कहना चाहती हूँ आप सब लोगों से, प्लीज जो मीडिया दिखाए, जो गवर्नमेंट कहे, ठीक है आपका सरकार है, आपकी मीडिया है, भरोसा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा दिमाग भी लगाइए। साइंस फॉलो कीजिए, फियर को फॉलो मत कीजिए।